आज की वीडियो में जो हम वर्क सीखने जा रहे हैं वह है एफिलिएट मार्केटिंग, अर्थात आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके और लिंक शेयर करके पैसा किस प्रकार से कमा सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ स्टेप्स में जानकारी देने वाले हैं। आज की वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड सेल करके किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं इसके विषय में बताने वाले हैं, और कितना आप अर्न कर सकते हो, एक क्रेडिट कार्ड पर कितना कमीशन रहता है, सब कुछ लाइव आपके सामने दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में earnly.in वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप earnly.in वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर गो टू एफिलिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो टू एफिलिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर लॉगिन के लिए मांगा जाएगा आपसे। मैंने अपना आईडी और पासवर्ड पहले ही क्रिएट कर रखा है, इसलिए अब आपको यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए लॉगिन वाले ऑप्शन पर सिंपली स्टेप में क्रिएट कर लेना है। और अगर आप अकाउंट क्रिएट करना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही पैसे कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड सेल कर सकते हैं और कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर सुपर फाइनेंस ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही सुपर फाइनेंस वाले ऑफर पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ क्रेडिट कार्ड्स दिखाई देते हैं, जैसे टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड पर यू कैन अर्न पर कन्वर्जेशन फ्लैट 1650। आप एक क्रेडिट कार्ड सेल करके लगभग 1650 रुपये कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, नीचे जो शेयर वाले लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी एक एफिलिएट लिंक जनरेट हो जाती है, उसको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के पश्चात में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आप इसको पब्लिश कर सकते हैं वहाँ पर आपको इसको पब्लिश करना है। जैसे आपने एक लिंक कॉपी की, हम साइड में इसको पेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, और जैसे ही आप इस लिंक को पेस्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको जो क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन करने का ऑप्शन है वहाँ पर ले जाता है। अब क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर जो डिटेल फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है वो सारी डिटेल्स हम फिल कर देते हैं। अगर हम फिल करने के पश्चात सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जो भी कस्टमर या जो भी कैंडिडेट है अगर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको उसका जो फ्लैट इनकम है वो शो होने लगता है। फ्लैट इनकम शो होने के लिए आप यहाँ पर डैशबोर्ड में देख सकते हैं, डैशबोर्ड में आपको पेंडिंग 6 जो लीडिंग है वह जनरेट करके दिखाई जा रही हैं कि आप मैंने पहले कुछ क्रेडिट कार्ड सेल किए हुए हैं और कुछ लिंक अभी जनरेट नहीं हुई है। हर लिंक का एक समय रहता है, लगभग 2 से 3 दिन, 4 दिन में वो जनरेट होकर यहाँ पर पेंडिंग में दिखने लगती हैं। अब आपको क्या करना है कि अगर आपने यह सर्च करना है कि कितना आपने अभी तक सेल कर दिया है तो यहाँ पर माय अकाउंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, माय अकाउंट के ऑप्शन पर जाना है। और माय अकाउंट के ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर आप लीड दे सकते हैं कि जैसे आज 4 नवंबर को यह वीडियो शूट हो रही है तो मैंने 2 क्रेडिट कार्ड सेल किए हुए हैं, ऐसे ही 3 नवंबर में कुछ अन्य लीडें जनरेट की हुई हैं, 2 नवंबर में कुछ अन्य लीडें जनरेट की हुई हैं, 1 नवंबर में कुछ अन्य लीडें जनरेट की हुई हैं। अगर आप भी इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा एक वे है आपको अर्न मनी करने के लिए। अब जैसे ही आपकी मनी अर्न हो जाती है, जैसा कि आप डैशबोर्ड पर देख रहे हैं, मैं कई बार प्रैक्टिकल करके उनको अकाउंट में, ई वाउचर में, फ्लिपकार्ट में ट्रांसफ़र भी कर चुका हूं। तो देखिए 1 नवंबर को मैंने पैसा 50 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके भी देखा हुआ है, जो कि आसानी से बैंक में क्रेडिट हो जाता है। तो इस प्रकार हमें पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए भी ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। हमें यहाँ पर विड्रॉल वाले ऑप्शन पर जाना है, पैसा जो आपका आपने अर्न किया हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग से उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और मिनिमम 50 रुपीज़ भी अगर आप अर्न कर लेते हैं तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर ई वाउचर, वॉलेट, मोबाइल या बिल पे या फिर बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर इनफ मनी न होने के कारण ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आपका यहाँ पर इनफ मनी आ जाता है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, साथ ही इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमें कमेंट जरूर करना। थैंक यू।